अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट इंग्लिश। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेपोजिशंस के बारे में। तो बेसिकली प्रेपोजिशन का जो वर्ड है वो दो वर्ड्स को मिलाकर बना है, एक है प्री और एक है पोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजिशन का मतलब होता है प्लेस। तो वो वर्ड जो किसी भी चीज़ की जगह के बारे में बात करते वक्त उस जगह के नाम से पहले लगाते हैं, उन वर्ड्स को हम प्रेपोजिशन कहते हैं। मैं आपको आज की वीडियो में कुछ पिक्चर्स बना के बताऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो मैं आपको प्रेपोजिशंस के बारे में बताऊंगा और साथ साथ आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, राइट? प्रैक्टिस के लिए काम करते हैं हम, एक क्वेश्चन और एक आपके लिए एक फॉर्मूला बनाता हूँ जिसमें आपको प्रेपोजिशन को यूज़ करने का तरीका भी आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम यहाँ पर एक बॉक्स और एक बॉल की बात करते हैं। सो वेयर इज द बॉल? अब जैसे कि मैंने आपको कहा कि प्रेपोजिशन हम बात करते हैं जगह की, तो प्रेपोजिशन को समझने का सबसे आसान तरीका है कि प्रेपोजिशन जो होते हैं वो वर्ड कहाँ का जवाब होते हैं। कहाँ जब आप किसी भी सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो उसके आंसर में ज़रूर प्रेपोजिशंस आते हैं, राइट? तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, वेयर इज़ द बॉल? अब आपने पिक्चर देखनी है और बताना है वेयर इज़ द बॉल, राइट? अब फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक बॉक्स है, राइट? और बॉक्स के अंदर एक बॉल है, राइट? तो इन फर्स्ट पिक्चर आपको क्या लगता है बॉल कहाँ पर है? बिल्कुल सही। तो यहाँ जब कोई चीज़ किसी भी चीज़ के अंदर होती है तो हम लोग इन या इनसाइड का वर्ड यूज़ करते हैं, राइट? तो हम कहेंगे द बॉल इज इन द बॉक्स या इनसाइड द बॉक्स। सिंपल, बॉल कहाँ है? द बॉल इज इनसाइड द बॉक्स, ठीक है? नेक्स्ट, अगर मैं इसी बॉक्स को बनाऊं लेकिन बॉल रखूं मैं बॉक्स के ऊपर, तो कहाँ है बॉल? द बॉल इज ऑन द बॉक्स, द बॉल इज ऑन द बॉक्स। सो दिस इज़ रियली ईजी, इस तरीके से समझना बहुत आसान है, राइट? अब मैं आगे क्या करूँगा, आपको सिर्फ पिक्चर्स बताऊँगा और आपने यहाँ पर जहाँ हमने प्रेपोजिशन यूज़ किए इन और ऑन, आपने सिंपली इस सेंटेंस के अंदर वो प्रेपोजिशंस अप्लाई करने हैं। नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी दीवारों पे पिक्चर्स लगी हुई होती हैं और मैं आपसे पूछूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक टेबल है और मैं आपसे पूछूँ कि भाई पिक्चर कहाँ पर है, और यहाँ पर एक पिक्चर लगी हुई है दीवार पर, एक पिक्चर है उसमें सनसेट है और एक सीनरी बनी हुई, राइट? तो आपसे अगर मैं पूछूं वेयर इज़ द पिक्चर, तो आप कहेंगे द पिक्चर इज़, अब अगर हम इस पिक्चर का टेबल के पर्सपेक्टिव से, टेबल के नज़रिए से देखें तो ये ऊपर है। अब ऊपर के लिए मैंने आपको बताया कि हम ऑन कवर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन ऑन कवर्ड हम लोग तब यूज़ करते हैं जब वो चीज़ टच कर रही हो ऊपर से, राइट? अगर ये इसके ऊपर रखी हुई होती तो हम कहते द पिक्चर इज़ ऑन द टेबल, लेकिन इस सिचुएशन में जो पिक्चर है वो टेबल को टच नहीं कर रही, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अबव। द पिक्चर इज़ अबव द टेबल, द क्लॉक इज़ अबव द टेबल। अगर यहाँ पर पिक्चर की जगह कोई क्लॉक बनी होती, वो वॉल क्लॉक बनी हुई होती, तो हम उसके लिए भी क्या बोलते हैं, द क्लॉक इज़ अबव द सोफ़ा, अबव द टेबल, अबव द चेयर, ठीक है? तो उसके लिए हम ऐसे यूज़ करते हैं। इन नेक्स्ट सिचुएशन, अब आपने बताना है अगेन बॉल कहाँ पर है, तो इस सिचुएशन में जो बॉल है वो बराबर में है, बॉक्स के बराबर में है, राइट? तो हम जब बराबर में यूज़ करेंगे तो कहेंगे द बॉल इज नेक्स्ट टू द बॉक्स। अब नेक्स्ट टू यूज़ करेंगे या आप यूज़ कर सकते हैं बिसाइड, बिसाइड या नेक्स्ट टू का मतलब होता है बराबर में, राइट? सो द बॉल इज नेक्स्ट टू द बॉक्स, या अगर आप उल्टा बोलें तो द बॉक्स इज बिसाइड द बॉल। बात है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर में, तो आप उसे पहले कहें या उसे पहले कहें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? अब नेक्स्ट सिचुएशन में देखते हैं बॉल कहाँ पर है। ये हमारा सेम बॉक्स, लेकिन इस सिचुएशन में आधी बॉल आपको नज़र आएगी। अब आप मुझे बताएं बॉल कहाँ पर है। आधी नज़र आ रही है, इसका मतलब बाकी की आधी जो है वो बॉक्स के पीछे है। तो जब कोई चीज़ पीछे होती है तो हम बोलेंगे द बॉल इज बिहाइंड द, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, बैक साइड पर, राइट? तो पीछे के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बिहाइंड, द बॉल इज़ बिहाइंड द बॉक्स। अ
अब अगला प्रेपोजिशन देखते हैं. अब अगले प्रेपोजिशन में मैं एक नहीं दो बॉक्सेस बनाता हूँ और आपने मुझे बताना है कि हमारी जो बॉल है वो कहाँ पर है. तो हमारी इस सिचुएशन में जो बॉल है वो दो बॉक्सेस के बीच में है. तो जब आप दो चीज़ों के बीच में होते हैं राइट, तो ये तो आपको पता ही होगा, अक्सर हम लोग ये यूज़ भी करते हैं. तो हम यूज़ करते हैं बिटवीन का वर्ड. बिटवीन का मतलब होता है दो के दरमियान, राइट. सो द बॉल इज़ बिटवीन द. अब यहाँ पर आपने एक और काम करना है, बॉक्स नहीं लिखना, बॉक्स के साथ ई एस भी लगाना है क्योंकि एक से ज़्यादा बॉक्सेस है, राइट. सो द बॉल इज़ बिटवीन द बॉक्सेस. अब इसी सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ, अभी मैंने आपसे कहा कि दो के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बिटवीन, लेकिन अगर दो से ज़्यादा हो, चार हो या चार से ज़्यादा हो, पाँच हो या कितने भी ज़्यादा हो सकते हैं, दो से ज़्यादा होने चाहिए, तो हम कहेंगे द बॉल इज़ अमंग. अमंग का वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ों के दरमियान. द बॉल इज अमंग द बॉक्सेस, राइट. अगली सिचुएशन में मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए कि जो बिल्ली है वो कहाँ पर आपको नज़र आ रही है. मेरी ड्राइंग इतनी कोई ख़ास नहीं है, आप मुझे बताएं देखकर कि जो बिल्ली आपको नज़र आ रही है वो कहाँ पर है. सो कैट कहाँ पर है, नीचे है, राइट. द कैट इज़ नीचे है, तो क्या यूज़ करेंगे, अंडर द टेबल, राइट. नीचे के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं अंडर, राइट. अगर आप दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं तो आप अंडर द ट्री हैं, राइट. अब हमारे नेक्स्ट प्रेपोजिशन में, यहाँ पर मैं बनाता हूँ एक रोड और यहाँ पर मैं एक बना देता हूँ बिल्डिंग. ये बिल्डिंग आप समझें कि एक जो है वो एक बैंक है, राइट, बैंक. और यहाँ पर एक बंदा है, राइट. तो अब आप मुझे बताएं कि इस बंदे के पर्सपेक्टिव से बैंक कहाँ पर है. इसे अगर जाना है तो रोड क्रॉस करना पड़ेगा. तो जब आपको कहीं जाने के लिए जगह को, किसी जगह को क्रॉस करना पड़े, तो वहाँ पर मिलता जुलता ही वर्ड आता है. सो हम कहेंगे वेयर इज़ द बैंक, द बैंक इज़ Across the road. The bank is across the road. अब ये तो हो गया कि जब आपने कोई चीज़ क्रॉस की है, राइट, ऊपर से. लेकिन अगर आप किसी चीज़ के दरमियान से होते हुए गुजरें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक छोटा सा विलेज बनाने की कोशिश करता हूँ और एक शख्स खड़ा हुआ है यहाँ पर, लेकिन बीच में हैं बहुत सारे ट्रीज, और इसे जाना है उस पार इस विलेज के अंदर, ये शख्स यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो इसे पूरा यहाँ से होकर गुजरना पड़ेगा, फिर ये अपने विलेज में पहुँचेगा, राइट. तो ये विलेज है, ये फॉरेस्ट है, राइट. तो अब आपसे मैं पूछूँ अगर कि विलेज कहाँ पर है, वेयर इज़ द, यहाँ हम लिख देते हैं विलेज. तो द विलेज इज़, अब यहाँ पर जब आप किसी चीज़ के बीच में से होके गुजरते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं अक्रॉस नहीं, थ्रू का वर्ड, थ्रू द फॉरेस्ट, ठीक है. थ्रू मीन्स किसी चीज़ के दरमियान से होकर गुजरना. अब इस सिचुएशन में लेट्स ड्रॉ अ फिश, मैं आपसे पूछूंगा कि फ़िश कहाँ पर है. अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम बनाते हैं यहाँ पर एक छोटा सा पौंड, पौंड में पानी था लेकिन एक फ़िश जो थी वो जंप करके बाहर आ गई और फ़िश जो है वो यहाँ पर अब मौजूद है. तो आपसे अगर मैं पूछूं कि फ़िश कहाँ पर है, तो आप कहेंगे द फिश इज़ आउट ऑफ द वाटर. आउट के साथ हम हमेशा ऑफ का वर्ड यूज़ करते हैं. कुछ लोग अगर अक्सर गलती में आउट फ्रॉम का वर्ड यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आउट ऑफ हमें यूज़ करना चाहिए. सो द फिश इज़ आउट ऑफ द वाटर. अब बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन में मैं जो हूँ, यहाँ पर मैंने फ़िश की जगह एक आदमी बना दिया है, तो वेयर इज़ द बॉय, बॉय कहाँ पर है. तो द बॉय इज़, अब आपको इसमें दिखा दूँ कि जब ये मूवमेंट में होगा, मतलब ये मूव कर रहा है, ये बाहर था अब अंदर जा रहा है, मतलब मूवमेंट में एक जगह से दूसरी जगह, तो आप कहेंगे द बॉय इज़ जंपिंग या डाइविंग इन टू द पूल.
तो जब किसी भी एक्शन में मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह, तो इन टू यूज़ करेंगे. फॉर एग्जांपल, आप अगर कमरे में दाखिल हो रहे हैं तो आप यूज़ वहाँ पर भी इन टू का वर्ड यूज़ कर सकते हैं. आई वेंट इन टू द रूम, राइट, तो वहाँ पर भी आप इन टू यूज़ कर सकते हैं. सो दिस इज़ इट फॉर यू गाइस टुडे. आज के लिए इतना ही, और इस टॉपिक की मज़ीद प्रैक्टिस के लिए अगला सेशन आने वाला है, अगला लेसन आने वाला है. तो स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा. तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़.